نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم ربنا زدنا علما. वन जीरो फाइव से व के अय मिन आयतिन व और के अय कितनी ही मिन आयतिन निशानियां हैं फिस समावाती आसमानों में से वल अर्जी और जमीन में ये मुर्रूना वो गुजरते हैं अलैहा उन पर उन निशानियों पर हा जो है ना निशानियों की तरफ प्रोनाउन है निशानियों की जगह इस्तेमाल किया गया है। वैसे भी आयतिन जो है मोअन्नस है तो इसके लिए प्रोनाउन भी मोअन्नस इस्तेमाल किया गया है। वहुम और वो अनहा उनसे मोरिजोन इराज करने वाले हैं। आसमान और जमीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से वो गुजरते हैं और उनसे वो बेध्यान हो जाते हैं एराज करते हैं गौर फिक्र नहीं करते। तो कईन काफ तशबी का और अयुन अयुन से और तशबी के काफ से मिलकर कईन बना है। तो इसका मतलब होता है कितनी ही मतलब ये होता है कि इसके बाद जो जिक्र होने वाली चीज है वो इतनी ज्यादा है कि उसका शुमार ही नहीं किया जा सकता। तो आयतिन से मुराद ऐसी अजीब चीज है जो तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है इस तरह के इंसान उसकी तरफ मतवजो होकर उसको भूल नहीं पाता मतलब हैरान कर देने वाली चीज। तो अल्लाह सुब्हान तआला इस आयत में ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जमीन और आसमान में बहुत सी निशानियां रखी हैं और इंसान का क्या काम बनता है कि इंसान उन निशानियों पर गौर फिक्र करे तदब्बुर करे और उन्हें मकासद उनके पहचानने की कोशिश करें। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान उन निशानियों से गुजरता है। अब मुराद सिर्फ ये नहीं कि वो चलता है, गुजरने से मुराद ही जैसे आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें नजर आई हैं तो आप कहेंगे कि जी हम इन निशानियों से तो गुजरते हैं, लेकिन आसमान की निशानियों से कैसे गुजरेंगे, चांद सितारे सियारों से कैसे गुजरेंगे। तो गुजरने से मुराद ये है कि देखना, यानी वो सामने आती है निगाहों के सामने होती है लेकिन इंसान उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर पाता। तो इस आयत का मतलब दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने ये दावा किया कि मैंने हर चीज को पैदा किया और अल्लाह इंसान को चैलेंज करते हैं कि वो एक मक्खी के पर की पैदाइश करके इंसान को जिसके साथ शरीक ठहराते हैं उनको चैलेंज किया जाता है कि वो मक्खी का पर बनाकर दिखाएं तखलीक करके दिखाएं लेकिन वो इतना भी नहीं कर सकते। अब ये गौर फिक्र वाली बात है ना कि इंसान तदब्बुर करे कि अच्छा हमारे शरीक तो एक मक्खी का पर भी नहीं बना सकते तो वो कैसे अल्लाह हो सकते हैं, वो कैसे खुदा हो सकते हैं। तो ये किसको समझ आती है, गौर फिक्र करने वाले को, तदब्बुर करने वाले को। फिर उसके बाद यानी अगर कोई जबरदस्ती चीज छीन के ले जाए, मक्खी चीज छीन के ले जाए, आप जिनकी पूजा करते हैं या जिनको शरीक चढ़ाते हैं तो वो मक्खी से अपनी चीज नहीं छुड़वा सकते तो क्या वो अल्लाह हो सकते हैं, वो मालिक हो सकते हैं। तो कायनात की इसके अलावा बेशुमार ऐसी निशानियां, निशानियां भी जो है ना वो दो तरह की होती हैं। तो तौहीद के लिए कुछ आयात जो हैं शरईया हैं जो अल्लाह सुब्हान तआला ने आसमान से नाजिल की और कुछ आयात कौन सी होती हैं, कौनिया, आयाते कौनिया आयाते शरिया। आयाते कौनिया कौन सी हैं जो हम कुरान में अहकामात वगैरह जो आयात पढ़ रहे हैं और कौनिया हैं कि कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं
दरख्त हैं, चांद, सितारे, सितारे और बाकी निजाम, इंसानों के आपस के रवैये, इंसान की पैदाइश का निजाम, इंसान की वफात का निजाम, इंसान के रिश्तों का निजाम, आपस में मोहब्बत का निजाम, आपस में लड़ाई झगड़ा, हसद बगुज, ये सारी चीजें जो इस दुनिया के अंदर हो रही हैं, छोटे से परिंदे से लेकर बड़े से बड़े बादशाह और अवाम और हुकूमत और राया के दरमियान जो कवानीन हैं, जो रवैये हैं, वो सारी की सारी किसकी निशानी? अल्लाह की। इंसान का क्या काम बनता है? इंसान पे गौर व फिक्र करे, इंसान जब उनसे गुजरता है, उनको देखता है, उनको परखे, ताकि इंसान की जो सोच है, इंटेलेक्चुअल पावर है, उसका लेवल है, वो बड़ा हो, और साथ ही है कि वो अल्लाह के साथ जुड़े। अब देखिए ना कि इंसान ये सोचे कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा की है, उससे हम कितने फवायद हासिल करते हैं, वो हमारे कितने काम आती है, और फिर उसके सारे सिस्टम पर गौर व फिक्र किया जाए तो कितना कुछ नजर आता है। ये जो साइंस है, ये मुशाहदा और दलील की बिना पर और गौर व फिक्र की बिना पर ही आगे बढ़ी है। यानी अगर कोई बंदा इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाली मुख्तलिफ इंतजामात और निजाम पर गौर फिक्र करता है, तो उस बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक और मजबूत हो जाता है, तौहीद में, रिसालत में, आखरत में। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम इन चीजों तक नहीं पहुंचता, तो कम से कम गौर फिक्र करने से वो नई नई चीजें इजाद जरूर करता है, जिससे दूसरे इंसानों को फायदा पहुंचता है। जैसे देखें, देगची के बाप से, जो देगची उसको ढक्कन के साथ उसकी बाप बनाई, और जब वो बाप की वजह से ढक्कन उठता है, सही जो प्रेशर होता है, तो इस पर गौर व फिक्र करने से लोगों ने कितनी चीजें इजाद की, रेलगाड़ी दरियाफ्त की, और फिर इसी तरह बिजली, गैस, लेजर और एटम, ये सब कुछ आयाते कोनिया पर गौर व फिक्र करने के नतीजे पर ही लोगों ने चीजें जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उनको डिस्कवर किया। कोई भी चीज जो भी दुनिया के अंदर नहीं आती है, उसको लाने वाला पहले गौर व फिक्र करता है, वो तदब्बुर जब करता है ना, तो चीज सामने आ जाती है। अब देखिए ना कुरान, जब आप कुरान पर तदब्बुर करते हैं, तो एक चीज नई सामने आती है जो पहले आपको नहीं पता थी, नई इजाद, एक लर्निंग पॉइंट, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि इस आम सी आयत से इतने अहम मीनिंग्स जो है आपको मिलेंगे सीखने को। तो एराज नहीं करना, कायनात की कोई भी चीज है, कहीं भी आप बैठे हैं ना, आप अकेले भी फिर एंजॉय करेंगे, आपके हाथ में गुलाब है ना, तो आप उस गुलाब पे गौर फिक्र करना शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह ने इसको कैसे बनाया। इसकी पत्तियां कैसे जुड़ी हुई हैं, इतनी नाजुक हैं, जुड़ी हैं कि इसको उतार के दोबारा जोड़ नहीं सकते। तो इंसान एक तो यह है कि उससे बहुत कुछ लर्न करता है। मसलन आप अगर दरख्तों और पौधों के पास बैठते हैं, उनकी सारी जिंदगी को देखते हैं कि कितनी खामोशी के साथ इंसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई एहसान नहीं जता रहे। अल्लाह ताला के हुक्म से खामोशी से हमारी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, जब हम किसी पौधे से कुछ उतारते हैं, पत्ते वगैरह जाया करते हैं, तो उससे उसको दर्द भी तो होता होगा ना, फिर भी वो कितना पुरसकून है ना। तो इससे भी बहुत कुछ लर्न किया जा सकता है। एक तो ये ना कि आप फिर सोचते हैं कि इंसान की कैफियत कैसी होती है, इंसान को कैसे रहना चाहिए, अल्लाह की ये मखलूक अल्लाह के साथ कैसे रह रही है, और हम कैसे रहते हैं, हम पौधे हैं कि नहीं, हमें पानी की जरूरत होती है कि नहीं, कैसे पानी की जरूरत होती है, ईमान को बढ़ाने के लिए। तो ये कायनात पे गौर व फिक्र करने से इंसान अल्लाह के साथ और जुड़ जाता है। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने इन सारी चीजों को, परिंदों को, दरख्तों को, आसमान में मौजूद तमाम निजाम को इसलिए बनाया ताकि हम उसको गौर व फिक्र करके मजीद उससे दोस्ती का ताल्लुक बना सके। तो जिस तरह
आयाते शरिया पर गौर फिक्र करके हमारा ईमान बढ़ता है, आयाते कोनिया पर भी जो जमीन और आसमान में है उनको अगर हम देखते हैं, देखने के बाद तदब्बुर करते हैं तो हमें उससे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। और अगर हम अल्लाह के साथ ना भी जुड़े तो इंसान को दुनिया में फायदा भी बड़ा पहुंचता है, लेकिन असल कामयाबी तो यही है ना कि इंसान तदब्बुर करने के बाद अपने खालिक से जाके मिले, उस अकेले रब की इबादत करे, उस अकेले रसूल पर ईमान लाए जो इस दुनिया में आखिरी बनकर आए। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, और नहीं ईमान लाते अक्सर उनके अल्लाह पर, इल्ला मगर वहुम मुशरिकून, इस हाल में कि वो मुशरिक हैं। यानी अल्लाह पर ईमान के दावे के साथ शिर्क करने वालों की पहली मिसाल जो है कौन है, कुफारे कुरैश। जमीन और आसमान को पैदा करने वाले अल्लाह की बात नहीं मानते, ये तो कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह के साथ चीजों को शरीक ठहराते हैं। यानी वो अल्लाह पे ईमान भी लाते हैं लेकिन फिर भी मुशरिक है। जब उनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें किसने पैदा किया, तो कहते हैं हमें अल्लाह ने पैदा किया। जब उनसे पूछा जाता है जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह ताला ने पैदा किया। जब वो मुश्किल में होते हैं तो किसको पुकारते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन उनका मसला क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि अल्लाह को पुकारने के साथ साथ, अल्लाह को अल्लाह मानने के साथ साथ क्या करते हैं, वो उनके अल्लाह के साथ दूसरे लोगों को, अपने अपनी मूर्तियों को, बुतों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। जैसे कि आज मुसलमान भी ऐसे करते हैं कि कलिमा पढ़ने के बाद मुसलमानों का यह हाल होता है कि ईमान का दावा भी करते हैं साथ, और साथ अल्लाह के साथ शरीक भी ठहराते हैं। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह देते हैं कि वही अल्लाह है, और वो खुद मोहम्मद की सूरत लेकर जमीन पर आए। कभी अपने किसी पीर की सूरत में अल्लाह के आने का अकीदा रखते हैं, कभी वाहदतुल वजूद यानी हर चीज ही अल्लाह है। तो इल्ला वहुम मुशरिकून कि अक्सर लोग नहीं ईमान लाते अल्लाह पर, क्यों, क्योंकि इस हाल में कि वो मुशरिक हैं। तो शिर्क और ईमान एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी एक बंदा मुशरिक है लेकिन बड़ी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, सदका ज़कात करता है, हज करता है, लेकिन वो मुशरिक है, तो उसका ईमान नहीं है। कितनी खतरनाक बात है ना कि शिर्क राई के दाने के बराबर भी होगा तो जन्नत की टिकट नहीं मिल सकती, जन्नत में दाखिला ममनू है, लेकिन अगर ईमान खालिस होगा और शिर्क नहीं होगा तो इंसान गुनाहगार भी हो तो अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज देंगे। यही समझे, जिसके अंदर शिर्क वाला वायरस है वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, अगरचे उसके पास बोरियां हों नेक अमाल की, इखलाक चाहे उसका जितना मर्जी अच्छा हो, शिर्क से बचने की खास तलकीन है। और शिर्क की बड़ी इकसाम होती है। एक तो शिर्क अकबर है ना, अल्लाह की जात सिफात और सिफात के तकाजों के साथ किसी को शरीक ठहराना, लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे काम जो हमें शिर्क में मुबतला करते हैं, जैसे गैर अल्लाह की कसम खाना, जैसे हम कहते हैं ना तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, या फिर तुम्हें फला इंसान की कसम, तो कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जाती है, हम गैर अल्लाह की कसम जो खा लेते हैं, फिर उसके बाद रियाकारी दिखावा ये भी शिर्क में आ जाता है, फिर बीमारी से बचने के लिए धागे बांधना, कड़े और जो मनके वगैरह लटकाते हैं ना वो, फिर बदशगुनी लेना, और आइंदा की खबरें बताने वाले काहनों के पास जाके अपना ईमान खराब करना। तो इन सब कामों को सही अहादीस की रोशनी में शिर्क करार दिया गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें शिर्क की तरफ
धकेलती चली जाती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ऐसे लोग मोमिन नहीं हो सकते। अफा अमीनू, क्या वो बला अमन में आ गई, बेखौफ हो गई। अफा अमीनू से मुराद ये है क्या वो बेखौफ हो गई, ना डर हो गई, उनको किसी किस्म की इस चीज की परेशानी नहीं हो रही कि अगर अचानक से अंतियम गौशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, कि अगर अचानक से उनके पास छा जाने वाली आफत आ जाए, छा जाने वाला अजाब आ जाए अल्लाह की तरफ से। यानी गशिय या गशा, गशियन से मुराद है हर जानिब से घेर लेना, ढांक लेना। जैसे फरमाया ना, वह इजा गशियहुम मौजुन कज़ुलल, कि जब उन्हें साहिबानों जैसी अजीम मौज ढांक लेती है, तो गाशिया वो हादसा जो चारों तरफ से घेर ले। ठीक है, तो मुराद क्या है कि ये इतने बेखौफों की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको इस चीज का ख्याल ही नहीं आता कि इन पर कोई अजाब आ सकता है, और इस हाल में आता है कि वो बेखौफ होकर जिंदगी जी रही होती। औ तअतियहुम अस्साअतु बग्ततन, या फिर इनके पास अचानक कयामत आ जाए, वहुम ला यशऊरून, और वो शऊर ना रखते हों। यानी छोटा अजाब और बड़ा अजाब, छोटी आफत और बड़ी आफत। छोटी आफत क्या है, दुनिया में आने वाले मसाइल, अचानक से आपको पता ही नहीं चलता, आप सुबह फ्रेश उठते हैं लेकिन आप उठते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन आप हालात अपनी मर्जी से नहीं अपने लिए पैदा कर सकते। इवन कि मौसम आपकी मर्जी का नहीं होता, और जब आपका दिल कर रहा है कि मौसम ठंडा ठंडा हो, लेकिन तपश है, सूरज है, आप सूरज को रोक सकते हैं? नहीं। इसी तरह मौसम ठंडा है तो आपको कोई गर्माइश वाला मौसम चाहिए, आप अपनी मर्जी से मौसम नहीं बदल सकते, आप अपनी मर्जी से अपने हालात नहीं बदल सकते। सुबह उठते हैं तो आप बड़े फ्रेश हैं, लेकिन ऐसे हालात आ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, नुकसान हो जाता है, हादसा पेश आ जाता है, अचानक से हम बेखौफ थे, हमें पता ही नहीं था ये होने वाला है। तो ये नहीं है कि ईमान लाने वालों के साथ ऐसा नहीं होता, होता तो उनके पास भी है, लेकिन वो मुतमिन होते हैं ना कि अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो लाशौरी के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, बेखौफ होकर, किसी किस्म का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई परेशानी नहीं कि अल्लाह उनको पकड़ भी लेंगे, तो फिर जब उनको पकड़ लेते अल्लाह का अजाब चारों तरफ से घेरता है, वो बचा ही नहीं पाते खुद को, कि बीमारी आ जाती है अचानक से, को इंसान आजमाइश बन के आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कता तौल की हो जाती है। अक्सर ऐसे देखा गया ना कि एक रिश्ता इतना खूबसूरत जा रहा था, अचानक से छोटी सी बात से वो रिश्ता इतनी दूरियां अख्तियार कर जाता है, आप जब सोचते हैं तो कहते हैं ये क्या था, तो सब कुछ ठीक था, ये कैसा अजाब मुझ पे आ गया, कैसी आफत आ गई। इसलिए बेखौफ होकर जिंदगी नहीं जीनी, जिंदगी के अंदर अल्लाह का खौफ लाजमी हो। ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान चीज का नाम है। ईमान इसी को कहते हैं कि आप पर उम्मीद हो कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं अपनी रहमत, अल्लाह की रहमत से सही और खूबसूरत जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन खौफ भी हो कि अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया मेरे गुनाहों की वजह से, तो मैं क्या कर सकूंगी। तो ये जो खौफ है ना, ये इंसान को अल्लाह से जोड़े रखता है, ये खौफ इंसान को बेलगाम नहीं करता, ये खौफ इंसान को नफ्स का जो घोड़ा आगे आगे भाग रहा होता है उसकी लगाम थामने पर आमादा करता है। तो बहादुरी ये नहीं कि इंसान बेखौफ ही हो जाए, किसी किस्म का उसे डर ही ना रहे, जैसे बच्चे मुंह जोर हो जाते हैं पेरेंट्स के सामने और कहते हैं हमें किसी किस्म का डर नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो उस बच्चे को कोई बहादुर नहीं कहता, उस बच्चे को लोग बद अखलाक कहते हैं, उसे ये बदतमीजी होती है कि इंसान बड़ों का ख्याल ही ना करे। जैसे पहले वक्तों में ऐसे तो था ना, इंसान मिस्टेक्स करते, जैसे कोई बड़ा आके बैठता तो वो गलती करना बंद कर देता, वो जो बात कर रहा था या जो बुरा काम कर रहा था उसे छोड़ देते थे,
लेकिन अब नहीं ऐसा होता। अब हम बड़े बोल्ड हो गए हैं और अब बेखौफ हो गए हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस समझते हैं कि कोई बड़ा पास आ भी जाए ना, हम अपने उस गुनाह को, उस बुरे काम को, उस गलती को नहीं छोड़ते। हम कहते हैं हम क्यों छोड़े, हम इनसे डरते हैं, हम इनसे लेके खाते हैं, हम क्यों खौफ महसूस करें। हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो हमें समझाने वाले हैं। तो इस चीज ने हमें अल्लाह के मामले में भी इस तरह का कर दिया, हम क्यों डरे। हम डर डर के जिंदगी गुजारे। तो ये जो बेखौफ हो जाना, ये इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता, इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उसे कोई पूछ भी सकता है। अचानक से जब फिर आता ना अजाब, तो फिर इंसान बच नहीं पाता, इंसान फिर सब कुछ खत्म। अचानक से जलजला, अचानक से सैलाब, तूफान, एक्सीडेंट, आग लग जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी मसाइल पेश आ सकते हैं। फिर या ये भी हो सकता है कयामत आ जाए, मौत आ जाए, तो उस वक्त माफी नहीं मांग सकेंगे, उस वक्त हमारे पास किसी किस्म का कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए अभी वक्त है, क्या करना है, अल्लाह के मामले में बेखौफ नहीं होना, एक एक स्टेप पे गौर करना है, अल्लाह ये चीज आज मेरे पास है, कल ना रही तो मुझे मेरा गुजारा नहीं होगा। इंसान कुछ चीजों के साथ इतनी अटैचमेंट बना लेता है कि उनके जाने के डर से इंसान को परेशानी होती है। उस वक्त एक ईमान लाने वाले बंदे का क्या रवैया होता है, आजीज हो जाता है, उसको डर होता है ना ये चीज मुझसे छीन जाएगी, आजीजी के साथ अल्लाह के सामने जाता है, दुआएं करता है, अल्लाह के सामने जाकर शुक्रगुजारी अख्तियार करता है, अल्लाह के सामने जाता है और उसकी बरकत के लिए दुआएं मांगता है, अल्लाह के सामने जाता है उस चीज के खैर के लिए दुआएं मांगता है। देखिए ना, खौफ, डर, किसी चीज के छिन जाने की परेशानी इंसान को कितना अल्लाह के करीब कर देती है। तो जो चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं, कभी कभार, बल्कि रवैया ये होना चाहिए ईमान वालों का कि उसे ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, कि उसकी बरकत के लिए इंसान शुक्र अदा करे ताकि अल्लाह उसको और अदा करे। तो यही वही बंदा होता है जिसको परवाह होती है अल्लाह की, जिसको अल्लाह की चीज के छीनने की परवाह होती है और देने की भी परवाह होती है। वो अपने आप को क्रेडिट नहीं देता किसी भी चीज का, अल्लाह को देता है। ये हमारे लिए बेहतरीन सबक है कि बेखौफ होकर जिंदगी ना जिए, अल्लाह के मामले में हमें थोड़ा डर और खौफ दिल में हो। कुल कह दीजिए ऐ नबी, हाजी सबीली, यही है रास्ता मेरा, अदउ इलल्लाह, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह सुभान तआला अपने रब के हुक्म से अपने बंदों को कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि यानी मेरा रास्ता यही है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, इसके अहकामात की इताअत करूं, इसकी पैरवी करूं, और फिर मेरे साथ रहने वालों का रवैया भी यही कुल हाजी सबीली अदउ इलल्लाह, कह दीजिए कि मेरा रास्ता है, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ, अला बसीरती, बसीरत पर। अब बसीरती का लफ्ज यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया, बसारतुन आंखों का देखना और बसीरतिन दिल से अच्छी तरह समझना, यानी मैं अपने अल्लाह के बारे में जो मेरे कॉन्सेप्ट है उसको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरा ईमान है,
मेरा यकीन है कि अल्लाह वो सारी कायनात का रब है, मैं उस पर भरोसा किए हुआ, उसके निजाम पर मुझे किसी किस्म का डाउट नहीं, मेरे पास नॉलेज है। यानी बात पता क्या समझ में आती है हमें कि इंसान जब दूसरों को अल्लाह की तरफ बुलाता है तो उसका पहले अपना ईमान पूरा मजबूत होना चाहिए। एक बंदा उसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, मोहब्बत की तरफ बुला रहा है, तो क्या उसकी जुबान में तासीर आ सकती है? या फिर उसकी बात जो है लोगों के दिलों तक पहुंच सकती है? अगर पहुंच भी जाए तो उससे उसको फायदा नहीं होता। तो पहला स्टेप यह है कि आप बसीरत पे हो, आपके दिल की निगाह, आपके दिल की आंखें खुली हुई होनी चाहिए, बाशऊर हो। कुरान पढ़ने वाला बंदा जब बसीरत से महरूम होता है तो फिर कुरान उसके दिल पे उतर नहीं सकता। कुरान के साथ जुड़ने के बाद अल्लाह से दुआ भी मांगा करे कि अल्लाह हमें साहिब बसीरत बना दे, हमें दिल की निगाह और दिल से अच्छी तरह समझने वालों में शामिल करे, क्योंकि ये होगी तो अल्लाह तक का सफर आसान होगा और फिर दूसरों को भी उस पे लगाएंगी। वमन तबानी आना वमन तबानी, मैं और जो कोई मेरी पैरवी करे, ये हमारा रास्ता है जो अल्लाह की तरफ जाता है, डायरेक्ट सिराते मुस्तकीम। और हम इस रास्ते पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि हमने किसे सुना और बता दिया, हमने तजर्बा किया हुआ है, हम तजर्बा शुदा इंसान है, हमने मोहब्बत की है अल्लाह से, हमने उसको दिल से समझा है उसके अहकामात को, मैंने भी और मेरे पैरोकार ने भी। सुबहान अल्लाह, पाक है वो अल्लाह, वमा अना मिनल मुशरिकीन, वो हर चीज से पाक है, हर ऐब से, हर खता से पाक है। तो हक ये है कि उस अकेले की इबादत की जाए, उस अकेले की वही पे चलने का हक है, और जो उस राह को छोड़ता है और ऐसी हस्तियों की इबादत और इताअत करता है जो अल्लाह के अलावा है, मुशरिक है। सब के सब क्या है? मुशरिक। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं ऐसे मुशरिकों की पैरवी नहीं करता, मेरे पास अल्लाह ना वो हर ऐब से पाक है, तो जो हर ऐब से पाक हो वो ज्यादा हकदार है अल्लाह कहलाने का, या वो जिसके पास तो अपनी चीज पर भी इख्तियार नहीं, अपनी मौत को टालने पर भी इख्तियार नहीं, मक्खी उसे कोई चीज छीन के ले जाए उसको वापिस लेने पर भी इख्तियार नहीं, मैं ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करता, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अल्लाह। हाजी सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन, तदब्बुर के साथ, गौर फिक्र के साथ मैंने अल्लाह को माना, मैंने भी और मेरे पैरोकार ने भी। वमा अरसलना मिया कबलिका, नहीं भेजा हमने आपसे पहले इल्ला रिजालन, मगर मर्दों को, नोही हम वही करते थे, इलेहिम तरफ उनकी, मिन अहलिल कुरा बस्ती वालों में से। अब यहाँ पे अल्लाह सुबहाना ताला ये बात समझा रहे हैं कि जो लोग रद्द करते हैं कि इंसान नबी नहीं हो सकते, नबी जो है वो कोई और महलूक है, फरिश्ते हैं या कोई और, तो यहां पर उनका रद्द किया जा रहा है कि जितने भी इस दुनिया में नबी आए वो सब के सब क्या थे? मर्द थे, फरिश्ते नहीं थे। एतराज था ना अल्लाह के रसूल पर कि आप बाजारों में क्यों चलते हैं अगर आप नबी हैं, तो चाहते थे कि नबी फरिश्ते हों। फिर इससे मुराद ये भी कि कोई औरत नबी बन के नहीं आई, उन लोगों का भी रद्द इस आयत के अंदर होता है। कुछ लोग कहते हैं ना औरतें भी पैगंबर थी, जैसे आसिया को कहते हैं वजी अलैहिस्सलाम, और सारा अलैहिस्सलाम को, उम्मे मूसा को, मरियम अलैहिस्सलाम को, तो इन औरतों को फरिश्तों के जरिए वही और बशारत तो जरूर दी गई थी,
लेकिन इनके पास नबी होने की डिग्री नहीं थी, ठीक है, इनको नबुवत नहीं दी गई थी, क्योंकि नबुवत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है और फिर मर्दों से भी बात करनी पड़ती है, मर्दों को भी दावत, क्योंकि सबके लिए फिर कोई भी नबी बन के आता है ना, तो उलझना भी पड़ता है, जंग भी होती है, तो ये काम औरत के बस की बात नहीं होती। इस वजह से अंबिया में से कोई भी नबी औरत नहीं थी, सबके सब क्या थे, मर्द थे, और आए भी किस में थे, शहर में, मर्द भी थे शहरों में से आए। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ी फयांज़ुरू, क्या फिर नहीं वो चले फिरे जमीन में, फयांज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो वो देखते कि किस तरह इंजाम हुआ इनका जो इनसे पहले थे, यानी कुफार आखिरत को तो मानते नहीं है, इसलिए इन्हें समझाने के लिए दुनिया में गुजरने वाले वाकयात का हवाला देते हुए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते कि इन्होंने शाम को जाते हुए पहाड़ों को खोद कर बनाए हुए कौमे समूद के मकानात और कौमे लूत की बस्तियों की जगह वाला जो खराबा है, फिर मिस्र के अहराम नहीं देखे, इन्हें इबरत नहीं हासिल होती, इबरत नहीं पकड़ते। तो इबरत हासिल करने के लिए तदब्बुर, गौर और फिक्र इस दुनिया के अंदर बहुत जरूरी होता है। जब भी हम किसी सैर पे जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, हाँ हमें, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे तो कुदरती नज़ारे ज्यादा है ना, जिसके जरिए इंसान अल्लाह के साथ अटैच हो सकता है, तो अगर हम जाएं, इतने अखराजात आ जाते हैं, इतना खर्चा करके जाते हैं, तो अगर हम कुछ लर्न किए बगैर वापस आ जाएं, तो फिर तो वो हमारा सारा पैसा और हमारी कोशिश, एफर्ट, वक्त इबादत नहीं कहला सकता। अपने एक एक लम्हे को इबादत बनाना है, और इबादत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जंगलों में जाके राहिब बन जाए, रहबानियत अख्तियार करनी। इबादत का मतलब ये होता है कि आप खा रहे हैं ना, बस सोच अच्छी हो, सोच कैसी अच्छी हो, अल्लाह का दिया खा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप कहीं बाहर निकले हैं तो घर से नीयत बना के निकले कि अल्लाह मैंने कुछ सीखना है, मैंने लर्न करना है, मुझे लोगों के रवैयों मिजाजों से कुछ ना कुछ सिखा। अब जरूरी नहीं है कि आप कुदरती मनाजर में ही जाके ही सीख सकते हैं, आप रोड पर सही हुजूम के अंदर खड़े होकर भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, लोगों के मुख्तलिफ रवैये होते हैं, मुख्तलिफ लोग आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी जमीन की सैर करें, हाँ वो बाजार जा रहे हैं या किसी शॉप पे जरूरत के काम के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आप उस वक्त सवारी पे बैठे हैं और मसरूफ नहीं है, जहन आपका फारिग है, तो बस तदब्बुर करें, फला आदमी खड़ा है वो क्या कर रहा है, उस पर गौर व फिक्र करें। हर चीज पर गौर व फिक्र करने के बाद आप देखिएगा कि आपके अंदर कितनी सफाई हो जाएगी, आपके अंदर कितना सुकून होगा। कभी आप किसी को देकर शुक्र अदा कर रहे होंगे, कभी आप किसी को देकर सब्र कर रहे होंगे, कभी किसी के लिए दुआ कर रहे होंगे, तो सब की चीजें कैसे आएंगी, अफलम यसीरू फिल अर्ज़ फयंज़ुरू, बस देखो, गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो। आज हमें ना इसी चीज की तलकीन की जा रही है। आज का जो मेन टॉपिक समझें, वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन जो बार बार तकरार के साथ बात आ रही है, इसका मतलब इसमें कुछ राज है। क्या है? बयान जरूर, तदब्बर, गौर फिक्र, कैफ काना आकिबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कैसा अंजाम हुआ। अब यहाँ पे तो चले, जब हम ऐसे ममालिक को करते हैं, अरब ममालिक को, वहीं पर ही सारी चीजें हैं ना, तो उन उधर जाएंगे तो वहां पे तो हमें नजाम अंजाम भी मिलेगा ना। कि लोगों के साथ क्या क्या सलूक हुआ। अब यहाँ देखिए कि बात पीछे मुजरिमों की हो रही है, तो अब आगे उनका अंजाम भी बुरा बताना चाहिए था कि उनके लिए आखिरत में क्या होगा, कोई हिस्सा नहीं होगा। अब चूंकि कलाम का तकाजा तो यही था कि कुफार से आखिरत में होने वाले मामलात की बात होती, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके इस पर ईमान ना रखने की वजह से, क्योंकि वो तो आखिरत को मानते ही नहीं थे, अगर उनको आखिरत से डराया जाएगा तो वो मान जाएंगे आखिरत को। आखिरत के बारे में
डराना तो उसे चाहिए जिसको आखिरत पे यकीन है, जिसको पता है कि आखिरत कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस खुद है बनाई हुई बातें। तो आखिरत के बारे में उसके साथ आप बात नहीं कर सकते। अब अल्लाह का अंदाज देखें, यहाँ बात होनी चाहिए थी कुफर के इंजाम की, अल्लाह ने ईमान लाने वालों का जिक्र शुरू कर दिया। वलदारुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीन तक़ौ, अलबत्ता घर आखिरत का बेहतर है उनके लिए जो तकवा करें, जो मुत्तकी हो। इससे खुद बहुत अंदाजा हो जाता है कि इनका तो घर ये है, लेकिन जो ईमान वाले नहीं हैं उनका घर कैसा होगा, उनका अंजाम कैसा होगा। अफला ताकिलून, क्या तुम फिर अक्ल से काम नहीं लेते, फिर गौर फिक्र और तदब्बुर क्या दर्स दिया जा रहा है। तदब्बुर करो, गौर फिक्र करो, सोचो समझो अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अल्लाह तुझसे दूरी क्यों अख्तियार की हुई है, अपने एहतसाब करो। हत्ता यहाँ तक कि इज़स्तई असर रसूलों, जब ना उम्मीद हो गए रसूल, वह जन्नू और उन्होंने समझा अन्ना हम कि बेशक वो कद कुसिबू कि वो झूठ बोले गए। जा अहम आ गई उनके पास नसरुना, मदद हमारी। अब ये देखिए कि यहाँ पे मुराद है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अंबिया को भेजा और उन्होंने काफी अरसे तक दावत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला के नबी ने अपनी कौम वालों को कहा कि अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो आप पर अजाब आएगा, आपको इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा या सजाएं दी जाएंगी। तो यहाँ पे जन्नू का जो मतलब है ना, जन का वसवसा, गुमान और यकीन तीनों के लिए आता है। अब इस मफहूम को थोड़ा सा समझना है कि कौन मायूस हुए। रसूल मायूस हुए, और क्यों मायूस हुए कि ये लोग ईमान नहीं लेके आ रहे, इतनी मेहनत इतनी जद्दोजहद, ईमान लाते नहीं, बिल्कुल ना उम्मीद हो गए। मुबालगे के लिए है ना, इस तई ऐसा बाब इस्तेफाल से, तो बिल्कुल ना उम्मीद हो जाना इससे मुराद है कि यानी बिल्कुल अब कि नहीं ईमान लाएंगे। तो उस वक्त गुमान किया उन्होंने, किन्होंने किया, इसके बारे में तीन अकवाल हैं। पहला ये है कि जो गुमान किया, कहा गया कि गुमान किया इन्होंने कि यकीनन इनसे झूठ कहा गया है, तो वो गुमान कुफार का है, क्योंकि कुफार से कहा गया था कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम पर अजाब आएगा। अब जब अजाब नहीं आया तो कहने लगे हमसे तो झूठ बोला गया, हम पे नहीं किसी किस्म का अजाब आना, ठीक है। और दूसरा ये कि जन्नू के फाइल, जन्नू यानी गुमान किया उन्होंने, किन्होंने, इससे मुराद अहले ईमान है, यानी रसूल काफिरों के ईमान लाने से ना उम्मीद हो गए और मोमनों को भी ये वसवसा पैदा होने लगा कि शायद कुफार पर अजाब आने की बात इनसे झूठ कही गई है, यानी वसवसा खदशा जो आ जाता है ना, वो ये नहीं कि उनका ईमान इससे जाया हो जाएगा, इससे उनकी पूछकीछ नहीं होगी। वसवसा जो है ना, ये पैदा होना ईमान के मुनाफी नहीं है, शैतान का काम है इंसान के दिलों में वसवसे डालता है, लेकिन इससे कोई एहतसाब नहीं होगा। इसके बारे में सही बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की इन बातों से दरगुजर फरमाया जिनका वसवसा इनके सीने डाले, जब तक वो बातें जुबान से ना निकाले या फिर उन पे अमल ना करें। तो क्या बात समझ में, वसवसा जो भी आता है ना उसको दिल तक रखें, दिल तक रखने से इंसान बहुत सी चीजों से बच सकता है। जब हम जुबान से अदा कर देते हैं ना, तो इससे नुकसान भी पहुंचता है और फिर उससे मुआवजा भी होता है कि तुम कैसी बातें सोच रहे हो। और तीसरा जो कौल है कि जन्नू से मुराद कौन है, किन्होंने गुमान किया कि ये झूठ कहा जा रहा है, तो इससे मुराद वो वादा
जो नबी ने अल्लाह सुब्हान तआला से किया, लेकिन अल्लाह की तरफ से तखीर हो रही है या उसमें हिकमत है, तो रसूल ना उम्मीद हो गए, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, साथ इस चीज से भी ना उम्मीद हो गए कि शायद इनकी कही हुई बातें, इनके जो वादे हैं, इनके साथ हमने किए हुए अजाब के, तो शायद ये बुरे ना हो और हम जो है यहाँ पे हमारी इज्जत खराब हो जाए। तो जन्नों से मुराद एक ये भी है कि नबियों का ये ख्याल कि शायद वादा खिलाफी हो गई है। तो ज्यादातर ये बात जो है ना ठीक समझी जाती है कि यहाँ पे जो कहा गया ना कि शायद झूठ कहा गया हमसे, तो मुराद क्या है, अंबिया। जैसे कहा है मता नसरुल्लाह, कि कब आएगी अल्लाह की मदद, तो अल्लाह कहते हैं इन नसरुल्लाह ही करीब, कि अल्लाह की रहमत बहुत करीब है। फिर जाहुम नसरुना, आ गई उनके पास हमारी मदद, अल्लाह ताला ने माइंड नहीं किया उनके इस रवैये को, चाहे वो काफिरों ने कहा चाहे वो ईमान वालों ने कहा। ईमान वालों ने अगर कहा तो बड़े उम्मीद से कहा होगा कि अल्लाह आप तो कहते थे कि जो बंदा ईमान नहीं रहेगा उस पर अजाब आएगा, आ तो रहा नहीं कि हमसे झूठ कहा गया, तो अल्लाह कहती है आ गई है मदद, आ गया वो बाद जिसका हमने वादा किया था। फनुज्जिया तो बचा लिया गया, मन नशाउ उसको जिसे हम चाहते थे, वला युरद्दु बासुना और नहीं फेरा जाता अजाब हमारा, अनिल कौमिल मुजरिमी उन लोगों से जो मुजरिम है, यानी पैगंबरों को हमारी मदद आ पहुंची, अब अजाब होने में देर नहीं होगी, अजाब आएगा और जब आ जाएगा तो फिर फेरा नहीं जाएगा, हर तरफ से डांप लेगा, और मुजरिम लोग देख लेंगे अपनी आंखों से कि क्या हो रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें अजाब के आने से पहले पहले ही ईमान और तकवा और उम्मीद वाली जो जिंदगी है ना वो अदा करे। और अंबिया पर शैतान हमला नहीं करता, ठीक है, शैतान उनको बुरे कामों की तरफ उकसाता नहीं है, आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك ترغب.